कई भाई बार बार में कमेंट करके यही पूछ रहे थे कि चीकू स्टोरेज हम भी करते हैं लेकिन वो अच्छी तरह से पकते नहीं है, या तो सूख जाते हैं या सड़ने लग जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी बहुत गलती चूक होती है, तभी होती है, नहीं तो होता नहीं है ऐसा। क्योंकि ये जो मैं प्रोसीजर काम में ले रहा हूँ, यही आपको आज वापस दिखा रहा हूँ, ये जो कागज़ का डिब्बा आप इनको रखने के लिए, चीकू रखने के लिए कागज़ का डिब्बा काम में ले रहे हो, वो एकदम पूरा मतलब अच्छी तरह से पैक हो, उनको रखने के बाद में पैक कर दोगे तो अब बाहर से हवा नहीं जा सके, ये सबसे ज़रूरी है ध्यान रखना है। और दूसरा जो ये आपको बता रहा हूँ, इस तरह से एकदम मतलब बेदाग चीकू हो, ऐसा नहीं हो कि कहीं कोई पक्षी चोंच मार दी, ख़राब कर दिया हो और वो भी आप इसमें डाल दोगे डिब्बे में, या धुलाई करके कोई गीला हो वो डाल दोगे तो इसमें समस्या आ सकती है। क्योंकि ये समस्या तभी आएगी, या तो बाहर की हवा अंदर जाएगी या कोई गीला चीकू रख देंगे तो आएगी। बाकी जो अच्छी तरह से पक चुका है, ये देखो ये अच्छी तरह से पका हुआ है और इसके दो टुकड़े हो गए तोड़ते ही, और ये शानदार पका हुआ, आप कहीं भी देख लो इसमें कोई दाग वगैरह नज़र नहीं आ रहा, कहीं ख़राब होने का है ऐसा कुछ आपको लगे कि हो सकता है आपके भी उसमें कोई ख़राब हो रहे होंगे, समस्या होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है मैं आपके सामने तोड़ के दिखा रहा हूँ, अच्छी तरह से अगर आप इसमें रखोगे तो इसमें कोई समस्या आती नहीं है। बाकी इसका जो मैंने आपको तोड़ना कैसे, पेड़ से कैसे तोड़ना है, कई बार कच्चे तोड़ लेते हैं पेड़ में जो इनमें दूध निकलता है, वैसी स्थिति में अगर तोड़ेंगे तो वो चीकू कभी भी नहीं पकेंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। तो वो तोड़ना कैसे, वो जो वीडियो मेरा बनाया हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा से दे रहा हूँ, वो आप एक बार और समझ लो कि चीकू को तोड़ना कब का है, कैसे तोड़ना है, उसके बाद में उसमें कोई शिकायत नहीं आती। और इसमें एक चीज़ और है कि चीकू हमेशा 80-90% पेड़ पे ही पक के तैयार होता है, उसका जो भी 10-15% प्रोसीजर होता है वो अपन को तोड़ने के बाद में करना होता है। तो अगर मान लो आपने 50-60% पेड़ पे पकाया और उसको तोड़ लिए, अब उसका जो लगभग 35-40% प्रोसीजर अगर करना चाहेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा, वो सूखने लग जाएगा, पकेगा नहीं और उसमें मिठास भी नहीं होगा। अगर 90% पेड़ पे चीकू पक गया और 10% उसमें गुंजाइश बची है, क्योंकि वैसे तो 100% भी पेड़ पे पक जाता है लेकिन पेड़ पे पकते ही पक्षी खा जाते हैं, तो 90% जो पका हुआ है वो तोड़ के आप अगर उसमें थोड़ी सी गुंजाइश इसमें डिब्बे में रख के पूरी करेंगे, ये एकदम मीठा और इतना टेस्टी होता है कि इसका स्वाद ही अलग होता है। जितना आप 70-80% के बीच का तोड़ोगे वो थोड़ा टेस्टी कम होगा, ये प्रोसीजर उस हिसाब से होता है।